संख्या को घटाएंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि बाएं या दाहिने, आपको ये देखना है कि उसमें छोटा कौन सा है, यानी कि जो छोटा है वही तो घटेगा बड़े से। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा या फिर जानने की कोशिश की, जब भी उम्र यानी कि एज निकालने की आवश्यकता पड़ती है तो हम चीजों को दाहिने से ना घटाकर बाएं से क्यों घटाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, आपको बेसिकली दो चीजें समझना है। पहले एक चीज तो ये कि जब भी किसी संख्या को घटाना पड़ता है किसी चीज को दूसरी चीज से, तो ज्यादा वाली चीज से कम वाली चीज को यानी कम वाली संख्या को घटाते हैं, ऐसा करते हैं। और दूसरा, जब भी हम किसी संख्या को घटाते हैं तो दाहिने से घटाते हैं बाएं की ओर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 799 में से आपके 95 गए तो कितने बचे, तो आप जानते हैं कि 799 बड़ी है और 95 छोटी है, इसलिए ये घट जाएगी। वहीं अगर 95 से 799 घटाए तो नहीं घटेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब भी हम संख्या को घटाते हैं तो बाएं से ना घटाकर दाहिने से घटाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, 9 में से 5 गए, 407, ये आपका रूल है, आप जान गए, घटाना जानते हैं तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? और फिर जब एज को घटाते हैं तो उनमें बाएं से घटाते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की हमने एज यहाँ पर लिख दी 6 तारीख, 4 महीना 1995, और इसको जब घटाते हैं ये क्या होता है, ये आपका माह, ये आपका दिन होता है, और ये आपका माह होता है, और ये आपका वर्ष होता है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं कि इधर से घटा लेते हैं किसी संख्या, जब घटाना है अगर किसी चीज से, तो मान लीजिए कि आज 2023 चल रहा है और 12 तारीख 6वें महीने 2023 से अगर घटाना है तो पहले इधर से घटाएंगे, जबकि वहां पर आपने देखा कि उधर से घटाएंगे, ऐसा क्यों करते हैं? आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जो मेन पॉइंट, देखिए, अगर इधर से घटाएंगे तो ये नहीं घट पाएगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, और रूल होता है। देखिए, यहाँ पर आपको बाएं और दाएं का मतलब है, यहाँ पर अगर क्या इसको बाएं से घटाएं तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, गलत होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये आप जानें। ऐसा इसलिए होता है, ये आपकी क्या है, इकाई है, और ये आपकी क्या है, दहाई है, ये आपकी सैकड़ा है, फिर ऐसे 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो इकाई होता है वो एक होता है, दहाई होता है वो 10 होता है, और जो सैकड़ा होता है वो आपका 100 होता है, फिर उसके बाद में 1,000। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो इकाई है वो दहाई से छोटी है, और दहाई जो है सैकड़ा से छोटा है, सैकड़ा जो है ये 1,000 से छोटा, ऐसे 1,000 10,000 से, और 10,000 लाख से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि दाहिने में जो संख्याएं हैं वो छोटी हैं, उसके बाद जो दाहिने से बगल वाली है वो उससे बड़ी है, वो उससे बड़ी है। तो इस प्रकार से जब दाहिने से बाएं की ओर आते हैं तो संख्याएं हमें क्या मिलती हैं, बढ़ती हुई आती हैं। तो ये आपने जान लिया कि जब भी हम किसी संख्या को घटाते हैं तो क्या करते हैं, सेम सा फंडा है कि बड़ी संख्या से छोटी को घटाएंगे, तो चूंकि एक इकाई एक है तो दहाई 10 है, तो आप किधर से घटाएंगे, इधर से, क्योंकि सबसे छोटी संख्या इकाई में होती है, दहाई में होती है, इसलिए आप कभी भी बाएं से नहीं घटा सकते, आपको हमेशा दाहिने से घटाना होगा। लेकिन फिर जन्मतिथि को ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कि एज निकालने के लिए ऐसा क्यों करते हैं कि इसको हम बाएं से घटाते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये है आपका दिन, ये है आपका माह, ये है आपका वर्ष, ये 12 जो है दिन है, 6 आपका क्या है, ये आपका माह है, ये आपका वर्ष है। तो आप ये समझिए कि दिन जो है सबसे छोटा होता है, दिन से बड़ा माह, दिन से बड़ा क्या होता है, माह होता है, माह से बड़ा आपका वर्ष होता है। तो जैसा कि हमने आपको फार्मूला बताया कि जब भी किसी संख्या को घटाएंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि बाएं या दाहिने, आपको ये देखना है कि उसमें छोटा कौन सा है, यानी कि जो छोटा है वही तो घटेगा बड़े से। तो छोटा इसमें आपका दिन है, इसलिए दिन बाएं इसमें होता है, इसलिए पहले दिन को घटाएं। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि अगर हमको उधार लेना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, आप माह से उधार ले सकते हैं, लेकिन दिन से माह में उधार नहीं ले सकते आप, क्यों? क्योंकि माह बड़ी राशि होती है, और वैसे
वर्ष से माह, वर्ष से आप माह के लिए उधार ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं।